शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तं पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण अनिर्वाच्य वेद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्ताय शैते वियदनिलतेजो वभनयः यतश्चाभूद्विषं चरम चरमोचावचमिदं नमामास्तद्ब्रह्म परिमितसुखज्ञानममृतम्। ॐ शांति शांति शांति। चलो भाई, इदं तु पारमार्थिकं कुटस्थ नित्यं व्योमवत् सर्वव्यापी। परिणामी नित्य मानते हैं ना, है ना? ब्रह्म स्वरूप जो मोक्ष है, परमानंद जो मोक्ष है, वो तो कुटस्थ नित्य है। तो इसके ऊपर उसने कहा कि परिणामी नित्य है। तो नित्य के ऊपर विचार हुआ कि परिणामी नित्य होना चाहिए, समझ में कि नहीं, उसका निराकरण कर दिया। तो दोनों में कार्य कारण में भेद भी नहीं कह सकते, अभेद भी नहीं कह सकते। ये सब सारा का सारा विचार हो गया। हाँ, लेकिन भेद भी दिखता है, अभेद भी दिखता है। तो अभेद में भेद कल्पित है, ये सिद्ध किया गया। बड़ी कुशलता से विचार किया गया कि एक अभेद में अनिर्वचनीय भेद की कल्पना करना यही सांप्रत है। वाचस्पति ने कहा कि नहीं, अश्रुति भी कह दिया कि वाचारम्भम विकार नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। ठीक है नारायण, इले कुटस्थ नित्य यही पारमार्थिक है, परिणामी नित्य नहीं, समझ में ना। इसको आप कल्पित व्यवहारिक मान लो चाहे प्रातिभाषिक मान लो, कोई आपत्ति नहीं है। तो कल्पित व्यवहारिक भी कल्पित है, प्रातिभाषिक भी कल्पित है। सिद्धांत समझ में आया? एक कुटस्थ नित्य पारमार्थिक है, अद्वितीय है, उसी में अनिर्वचनीय भेद क्या है, कल्पित है। ये अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। ठीक है। तो भाष्य में ये बात आई कि भाई इदम तो पारमार्थिकम। भाष्य में देखो, कुटस्थ नित्यम व्योमवत् सर्वव्यापी सर्वविक्रिया रहितम नित्य तृप्तम निरवयवम स्वयं ज्योति स्वभावम। मोक्ष जो है ना, वो तो आनंद स्वरूप है, वो ब्रह्म का स्वरूप है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, समझ में कि नहीं। और उसमें जो है वो जन्य नहीं है। क्या नहीं है? जन्य नहीं है ना, वो कर्म का फल नहीं है। वो ज्ञान केवल अज्ञान आवरण को दूर करता है, इसलिए वो उत्पाद्य भी नहीं, आप्य भी नहीं, संस्कार्य भी नहीं और विकार्य भी नहीं। और वो जो आनंद है वो ब्रह्म का स्वरूप है। वो
अब ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए आनंद स्वतः प्राप्त होता है, स्वतः अनुभूत होता है। मन के मन से भी वो अनुभव नहीं किया जाता है, समझ में कि नहीं। जैसे आत्मा का अनुभव स्वतः होता है, फिर आनंद रूप का भी अनुभव स्वतः होता है, समझ में कि नहीं। इसलिए ज्ञानी को परमानंद की अनुभूति किससे होती है? इंद्रिय से, मन से, किससे? वो स्वतः होती है, समझ में आया। इसलिए बोलते हैं स्वयं ज्योति ही स्वभावम, स्वयं ज्योति का स्वयं प्रकाश, स्वयं ज्योति ही स्वभावम यस्य। हो गया यहाँ तक, आगे देखो। अब भाष्य में जो है, यत्र धर्माधर्मौ सह कार्येण कालत्रयम् च न उपावर्तते। भाष्य मिला आपको? हाँ, पृष्ठ नंबर क्या है? 148। चलो, हाँ 41। यत्र दिस परमात्मा में, यत्र मतलब यस्मिन, धर्माधर्मौ सह कार्येण, ये देखो भाई, धर्माधर्म का संबंध कहाँ पर है? आत्मा में है कि मन में है? क्या कह रहा हूँ, धर्माधर्म कहाँ पर है? मन में, आत्मा में नहीं। जब धर्माधर्म का संबंध जब आत्मा में नहीं है, तो धर्माधर्म के कार्य का संबंध भी आत्मा में नहीं होगा। बात समझ में आई? ठीक है, कारण जब, कारण का जब संबंध नहीं होगा, तो कार्य का संबंध कैसे होगा? बात समझ में है ना। इसलिए धर्माधर्म हो गया कारण, और कार्य हो गया कौन? सुख दुख। ये सुख दुख भी आत्मा में होता है। धर्माधर्म का भी आश्रय आत्मा, बोल दिया मन। धर्माधर्म का भी आश्रय मन, और सुख दुख का भी आश्रय मन, उसको अपने में आरोप करता है ना। मन रूपी धर्मी के साथ आत्मा का तादात्म्य होने से, धर्मी अध्यास होने से, मन के धर्म का भी आरोप करता है। धर्माध्यास हो गया, धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास। मैं मोटा हूँ कहने से क्या हुआ? शरीर का जो मोटापा है उसको अपने में आरोप करते हो, ये धर्माध्यास हो गया। समझ में आया? ऐसा है, ठीक है। यत्र धर्माधर्मौ कार्येण सह, अन्य देखो, जहाँ पर धर्माधर्मौ कार्येण सह कालत्रयम् च न उपावर्तते, तीनों काल में कभी भी नहीं, ना पहले, ना अभी, ना आगे, ना धर्माधर्म का संबंध होता है, ना क्या सुख दुख का संबंध होता है, ठीक है। हाँ, कार्य से सुख दुख ले लो, शरीर भी ले लो। अरे धर्माधर्म से ना शरीर मिलेगा। जैसा धर्माधर्म होगा शरीर भी ऐसे ही मिलेगा। इसको कहा विपाक, विपाक कहा ना योग सूत्र में, जाति आयु भोग, इसको कहते हैं विपाक। जाति में जन्म, आयु, आयु भी उसी प्रकार मिलेगी आपको, उसके बाद भोग भी, सुख दुख भी उसी प्रकार होगा। जाति मतलब शरीर की प्राप्ति, आयु और भोग, ये सब को कहते हैं विपाक। कार्य शब्द से विपाक को ले लो, ना धर्माधर्म का संबंध है, ना धर्माधर्म से होने वाला जो विपाक, विपाक का संबंध है, ठीक है। चलो, न उपवर्तते का अर्थ न संबंधते, उसका संबंध नहीं होता है। हो गया भाई। तत् एतत्, थोड़ी टीका ले लो, नहीं नहीं भाष्य में ही चलो। तत् एतत् अशरीरत्वम्, ऐसा लिखा है, तत् एतत् अशरीरत्वम् मोक्षाख्यम्, वही होता है मोक्ष। अशरीरत्व रूपी यही होता है मोक्ष, ये कर्म उपासना का फल नहीं है, कर्म उपासना का फल नहीं, ठीक है। आगे
और उसमें धर्माधर्म का संबंध नहीं है, आत्मा में धर्माधर्म का संबंध नहीं है। भाई इसमें क्या प्रमाण है, इसमें क्या प्रमाण है? देखो कठोपनिषद आप सुनते हो, कठोपनिषद में यही कहा बालक ने, कौन नचिकेता, नचिकेता ने पूछा आचार्य से कि हम तो यही जानना चाहते हैं, बाकी जो मैंने पूछा तो दूसरे के लिए पूछा नचिकेता ने। तीन बार मांगा ना, पहला बार तो पिता के लिए मांगा, पहला बार पिता के लिए मांगा, भाई मैं पिता यदि मुझे ना भेजे होते तो ये वर मांगने का मौका कैसे मिलता, इसलिए पुत्र ने पिता के लिए मांगा पहले। पिता सुखी हो जाए यही पुत्र चाहता है, नहीं माता पिता सुखी हो दुख न हो यही पुत्र चाहता है कि नहीं? और शिष्य भी क्या चाहेगा, गुरुजी प्रसन्न रहे नहीं चाहेगा? वो जैसे भी हमको गद्दी मिल जाए यही चाहता है क्या शिष्य? और दूसरा क्या है, दूसरा वर हो गया स्वर्ग की प्राप्ति का साधन, अग्नि विद्या मांग लिए, अग्नि विद्या जो मांगा वो भी मेरे लिए नहीं, नचिकेता ने कहा मेरे लिए नहीं मांगा मैंने, जो संसार में स्वर्गीय सुख चाहते हैं, संसार से वैराग्य जिसको नहीं हुआ कि नहीं, संसार में तो तीन प्रकार के व्यक्ति दिखते हैं, तीन प्रकार के व्यक्ति कैसे हो गए, एक तो शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है उसका विचार ही नहीं करना है, और बाकी दो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार तो चलते हैं लेकिन दोनों में भेद है कि नहीं, कुछ तो स्वर्गीय सुख चाहते हैं, संसार से वैराग्य जिसको नहीं हुआ है उन्हें के लिए क्या चाहिए, आत्मविद्या चाहिए कि स्वर्ग विद्या चाहिए? उनके लिए स्वर्ग विद्या चाहिए, इसलिए स्वर्ग का साधन अग्नि विद्या को मांगी उसने। लेकिन जिसको संसार से वैराग्य हो गए उसको लिए कौन सा भोग देंगे, भोग से वो प्रसन्न रहेगा, वो उनके लिए तो हैं मोक्ष का साधन चाहिए। तो अभी जो मांग रहा हूँ मेरे लिए मांग रहा हूँ, अतः मेरे जैसा कोई संसार से विरक्त है ना, उसी के लिए मांगा देखो, नहीं तो क्या मांगा, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूता च भव्या च इत्यादि श्रुतिभ्यः। ये देखो है ना, जो धर्म से भी अन्य, अन्यत्र का अर्थ अन्यत, धर्म से भी अन्य, मैं धर्म को नहीं जानना चाहता, हमने जान लिया। और अन्यत्र क्या कहा, अधर्मात्, और अधर्म से भी भिन्न, समझ में कि नहीं, और धर्मा धर्म से भी जो रहित, फल को भी ले लो, धर्मा धर्म से भी जो रहित, मतलब जिसमें धर्म का भी संबंध नहीं है और धर्मा धर्म के फल का भी संबंध जिसमें नहीं, यह अभिप्राय इसका, समझ में कि नहीं है। और अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, कृत होता है कार्य और अकृत होता है कारण, बात समझ में, जो कार्य से भी रहित कारण से भी रहित। ऐ देखो क्या कह रहे हैं, कार्य से भी रहित कारण से भी, कारण को भी हमने जान लिया, उसको क्या जानना है कि नहीं, कारण तो भाई माया विशिष्ट परब्रह्म होता है, कारण कौन होता है, हाँ माया विशिष्ट परब्रह्म होता है कि नहीं, तो वो तो सब विशेष है, वो तो उपास्य है, उसको हमने नहीं जानना है उसको, हाँ ठीक है। कारण से भी रहित कोई है, सुनते हैं ना, क्योंकि सब विशेष का स्वरूप कोई निर्विशेष होगा कि नहीं, घटाकाश हो गया सब विशेष, उसका स्वरूप क्या है, महाकाश होता है कि नहीं, वो सामान्य आकाश हो गया, जहाँ जहाँ जो जो सविशेष होता है उसका स्वरूप क्या होता है, हाँ ये लोग सही समझते हैं ना, अरे निर्विशेष कैसे होगा परब्रह्म, अरे सविशेष का स्वरूप निर्विशेष होता है, नहीं होता है क्या,
जो जो सविशेष होगा उसमें सामान्य नहीं रहता है क्या? बोलो, रहता है ना। जैसे मान लीजिए जैसे हो गया ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व, उसका सामान्य क्या है? मनुष्यत्व हुआ कि नहीं हुआ? आया? हाँ। इसी प्रकार जो कोई सविशेष होगा उसका उसमें कोई निर्विशेष भी होगा कि नहीं होगा? सविशेष का स्वरूप ये सविशेष कहोगे तो क्या दोष होगा? अनवस्था दोष हो जाएगा। इसलिए अंतदगत्व कोई निर्विशेष रहेगा, इसलिए निर्विशेष को मैं जानना चाहता हूँ। जो कार्य भी रही, कार्य भी नहीं क्या, और कारण भी रही, कारण भी नहीं, हो गया भाई। हाँ, कृता अन्यत्र अस्मात् कृता कृता अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वद, ऐसा कहा ना है। हाँ, जो भूत, भूत हो गया काल, और भव्य हो गया कौन, भविष्यत, और चौक कहने से वर्तमान। काल को भी हमको नहीं जानना है, काल को भी नहीं जानना है, काल का भी संबंध जिसमें नहीं, वो तात्पर्य। काल भी, काल को भी नहीं जानना है, काल से जो रहित उसको भी नहीं, काल से भी जो युक्त उसको भी नहीं जानना है, मतलब परिचिन्न, काल परिचिन्न वस्तु को भी हमको नहीं जानना है, काल से अपरिचिन्न वस्तु जिसमें काल का भी संबंध नहीं, समझ में नहीं क्या है? काल का भी संबंध जिसमें नहीं। हाँ, वो जो स्वरूप है उसको हम जानना चाहते हैं। यत पश्यसि तद्वद, आप भी सुन करके बोले ऐसा नहीं जाना, आप जो अनुभव किए ना वो बताओ। नचिकेता ने क्या बोला? यत पश्यसि तद्वद, मतलब क्या है? जो अनुभव किए वो बताओ, सुन सुन कर ना बताओ सुनी हुई कहानी ना बताओ जो आप अनुभव किए वो बताओ। बालक ना है नचिकेता जैसे बालक नहीं पूछते दादी माँ से है, आप सुनी है कि दादी माँ को देखी है आप जो आप देखी है वो बताओ, सुनी है बातें ना बताओ है कि नहीं? अच्छा, आगे देखो है। अतः इसलिए जो है इसलिए ब्रह्म क्या है? कुटस्थ असंग है। आज इसके ऊपर कह रहे हैं, देखो भाई, ब्रह्म हो गया कुटस्थ नित्य नहीं और असंग है। ब्रह्म कुटस्थ असंग होने दो, लेकिन जो फल का जो विचार हो रहा है, मोक्षरूपी फल है, मोक्षरूपी जो फल है वो नियोग का फल हो जाए। नियोग मतलब क्या? विधि, कर्म उपासना का फल हो जाए मोक्ष। ऐसे क्यों नहीं मानते हो? बोलते नहीं, अतः तद ब्रह्मा, अरे जो मोक्ष है ना वही ब्रह्म स्वरूप है। मोक्ष जो परमानंद है ना, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, समझ में कि नहीं? आपका संबंध का त्याग, संबंध आपने छोड़ दिया शरीर आदि के साथ, हैं? जो आनंद की जो अनुभूति होती है ना, वो कहाँ से होती है? विचार नहीं करते ना लो, शरीर आदि के साथ आपका आपका तादात्म्य नहीं रहा, ठीक है? शरीर आदि के धर्मों के साथ आपका संबंध नहीं हुआ, विषय के साथ आपका संबंध नहीं हुआ, विषय को लेकर के जो वृत्ति होती है सुखाकार वृत्ति, वो भी संबंध वो भी नहीं है। उस समय जो आपको आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद की अनुभूति वो कहाँ से आया? स्वरूप से हो गया। इसलिए आत्मा का स्वरूप आनंद है कि नहीं है ना, वो आपसे भिन्न नहीं है, आनंद स्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं है, ठीक है? उसके नित्य अनुभूति होना यही तो मोक्ष है, कोई मोक्ष दूसरा तो है ही नहीं, ये वेदांत का मोक्ष है, ठीक है? इसलिए बोलता है वो किससे जन्य है? कर्म से भी नहीं, उपासना से भी नहीं, ज्ञान से, ज्ञान से भी वो जन्य नहीं। अज्ञान केवल अज्ञान को दूर करता है ज्ञान, वो प्राण वो जन्य नहीं होता है। जैसे प्रकाश से घट की अभिव्यक्ति होती है, अंधकार में घट हो अब प्रकाश क्या करता है? उसको अभिव्यंजक होता है, जनक नहीं होता है घटपट आदि का, लेकिन इस बार ज्ञान जो है
आनंद का अभिव्यंजक होता है अज्ञान को दूर करते करके, उत्पन्न नहीं करता है ज्ञान आनंद को, मोक्ष को, है कि नहीं? इसलिए बोलते हैं अतः है तत् ब्रह्मा। तत् कहने से कौन? तत्का अर्थ तत्कैवल्यम, जो मोक्ष है वो ब्रह्मा है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ठीक है भाई। अतस् तद् ब्रह्मा यस्य इयम् जिज्ञासा प्रस्तुता, वही परमानंद मोक्ष रूपी ब्रह्म, यही यहाँ पर जिज्ञासा है उसकी हो रही है, समझ में कि नहीं? हाँ, मोक्ष पर जो परमानंद है ना, परमानंद स्वरूप जो ब्रह्म है, उसी की यहाँ पर जिज्ञासा प्रस्तुत की गई। कौन सा सूत्र में? अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, यस्य इयम् जिज्ञासा प्रस्तुता, हो गया ना। इसलिए कर्म फल से वो विलक्षण है, मोक्ष कर्म फल से विलक्षण है। तद यदि कर्तव्य से सत्वेन उपदिश्येत, कर्तव्य कर्म का वो शेष होता यदि ब्रह्म, और उपदेश उसका किया जाता, तेन च कर्तव्येन साध्य, तब तो साध्य हो जाता ना, क्या हो जाता? साध्य हो जाता भी, क्योंकि उपासना कर्म हो गया, क्या हो गया? उपासना रूपी कर्म, तो उपासना रूपी कर्म से वो साध्य हो जाता, साध्यश्चेद मोक्ष अभिवगम्येत, मोक्ष को यदि स्वीकार किया जाता किससे साध्य हो करके, उपासना रूपी कर्म से साध्य मोक्ष उसका यदि स्वीकार करते, तब तो क्या हो जाएगा? मोक्ष अनित्य हो जाएगा, अनित्य स्यात्, तब तो मोक्ष रूपी फल क्या होगा? अनित्य हो जाएगा। जब अनित्य हो जाएगा तब तो फिर कर्म का फल में क्या अंतर रहा? फिर कोई अंतर रहा नहीं, फिर कर्म का फल भी अनित्य है और इसका फल भी क्या होगा? अनित्य हो गया, विलक्षण रहा नहीं फिर, इसलिए क्या होगा? फल एक ही हो गया, अभी दोनों का फल क्या हो गया? एक ही हो गया, कर्म का फल भी जो हो है और इसका फल भी वही हो गया है कि नहीं? अच्छा, तत्र एवं सती, ऐसा होने से है ना, यथोक्त कर्म फलेषु एव तारतम्य अवस्थितेषु अनित्येषु कश्चित् अतिशयो मोक्ष इति प्रसज्येत। देखो ऐसा है ना, इसमें विचार भी दिया है, रत्न प्रभाद में विचार दिया, तब तो देखो जो ब्रह्म सूत्र है ना, जो ब्रह्म सूत्र है वो पृथक शास्त्र सिद्ध नहीं होगा। ब्रह्मसूत्र का विचार करने पर जो फल आपको मिलेगा मोक्ष, ठीक है ना, वही मोक्ष तो कर्म से ही प्राप्त हो रहा है, तो अधिक फल क्या हुआ? हाँ, तो विषय तो एक ही हो गया, फल प्रयोजन तो एक ही हो गया, प्रयोजन क्या हो गया? एक ही हो गया ना, तो एक ही फल होने से अन्य शास्त्र सिद्ध हुआ नहीं ब्रह्मसूत्र, कि नहीं? तब तो कर्म कांड में आ जाएगा ब्रह्मसूत्र भी, समझ में कि नहीं आया? ऐसा कह रहे, अच्छा तत्र यही कह रहे हैं। देखो तब तो जैसे कर्म उपासना से होने वाला फल वो भी जैसे सातिशय होता है कि नहीं, और ज्ञान का फल भी क्या हो जाएगा? सातिशय हो जाएगा, यदि जन्य हो जाए तो जन्य जो भी फल होगा वो क्या होगा? निरतिशय होगा कि सातिशय होगा? साथ जन्य फल सातिशय होता है, इसकी अपेक्षा से वो फल सातिशय होता है। जैसे मनुष्य का जो सुख होता है इसकी अपेक्षा से देवताओं का सुख क्या है? 100 गुना ज़्यादा हो गया। फिर गंधर्व है, ऐसे करके गया ब्रह्मलोक पर्यंत, तो ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी फल होते हैं जन्य होने के कारण क्या होता है? सातिशय होता है। आगे समझ में है ना? ये बोलते हैं, इसलिए ज्ञान का फल भी यदि जन्य हो जाए तो क्या होगा? साथ ही सह हो जाएगा, है ना?
ये बोलते हैं तत्र एवं सति। एवं सति का अर्थ मोक्ष यदि अनित्य हो जाए, यथोक्त कर्म फलेषु है ना, पहले जो कर्म बता दिया है, हाँ चाहे कर्म हो चाहे उपासना हो, उसके फल में भी क्या होता है, तारतम्य होता है, हैं होता है ना तारतम्य, तो ये तारतम्य अवस्थितेषु अनित्येषु, तारतम्य भी है और अनित्य भी है। तारतम्य मतलब अधिकतर अधिकतम, इससे अधिक है उससे अधिक है, हाँ ये तारतम्य हो जाएगा अनित्य फल, और ऐसे अनित्य फल में ही तुम्हारा मोक्ष है अंतर्भूत हो जाएगा। कश्चित अतिशय मोक्ष, किसी फल की अपेक्षा से तुम्हारा ज्ञान से होने वाला मोक्ष केवल मोक्ष अतिशय होगा, फिर निरतिशय होगा नहीं, हाँ चाहे हैं कितने भी हो जाए अतिशय होगा तो अनित्य ना, क्या होगा जो फल अतिशय होगा निरित्य से नहीं होगा वो क्या होगा बताओ, अनित्य होगा ना, क्या होगा अनित्य होगा, समझ में कि नहीं, अनित्य होगा। और अनित्यत्व तो है सबसे बड़ा दुख, कोई चाहता है मुझे फल अनित्य मिल जाए, अनित्यत्व तो सबसे बड़ा दुख है, सातिशत्व और अनित्यत्व तो। विचार करने पर दुख दिखता है, समझ में आया, इसलिए सारे संसार के फल में है ना विरक्त को क्या दिखता है, दुख दिखता है, दुख क्या हुआ सातिशय है और अनित्य, विवेक चुड़ावणी ने भगवान भाष्यकार ने कहा नहीं जोग सूत्र में, हाँ विवेकिना सर्वम दुखम, क्या सूत्र है परिणाम ताप, परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्त्य विरोधाच सर्वम दुखम विवेकिनः, विवेकी को सर्वत्र दुख दिखता है, कितने प्रकार दुख कह दिया तीन, परिणाम ताप और क्या है संस्कार, हो गया ना ये सर्वत्र दुख, दुख क्या होगा यही सातिशय और अनित्य, सर्वत्र विवेकी को सातिशयत्व दिखता है और क्या दिखता है अनित्यत्व दिखता है, इसलिए ना वैराग्य होगा, यदि वैराग्य दुख का दर्शन ना हो तो वैराग्य क्या होता है कि नहीं, इसलिए दोष दृष्टि जिहासाच, पंचदशीकार ने कहा ना दोष दृष्टि जिहासाच पुनर्भोग्यश्व दीनता है कि नहीं, असाधारण हेत्वद्या वैराग्यस्य त्रयोपमी, सर्वत्र दुख दर्शन होता है, दुख दर्शन के बिना दुख नहीं होता नारायण, वैराग्य वैराग्य नहीं होता है। चलो ये कह रहे हैं भाई हैं तुम्हारा मोक्ष जो ज्ञान से होने वाला मोक्ष वो भी अतिशय हो जाएगा है ना, तो फिर अधिक क्या हुआ कर्मों के फल से है कि नहीं, नित्यश्च मोक्ष, इसलिए क्या हुआ फिर बोलते हैं मोक्ष तो नित्य है, ज्ञान से प्राप्त होने वाला मोक्ष जो परमानंद मोक्ष है वो क्या है नारायण नित्य है, नित्य है ठीक है, हाँ सर्वे मोक्षवादिभिर अभ्युपगम्यते, इसलिए मोक्षवादी भी है ना मोक्ष को कहने वाले मतलब मोक्ष के स्वरूप को जानने वाले ठीक है ना, मोक्ष को क्या मानते हैं नित्य मानते हैं अनित्य, जो अनित्य फल को ही तो मोक्ष मानता है तो विवेकी क्या हुआ फिर कह रहे सर जो अनपढ़ व्यक्ति मोक्ष को अनित्य तो मानता ही है लेकिन वेदांत पढ़ करके भी तो मोक्ष को क्या मानते हो तुम अनित्य मानते हो तो विवेकी क्या हुआ फिर क्या विद्वान है फिर है कि नहीं आया, इसी प्रकार जो हल चलाने वाला आत्मा को सुखी दुखी तो मानता ही है और न्याय पढ़ करके भी आपने सिद्ध कर दिया अंत में कि आत्मा सुखी दुखी है तो क्या पढ़ा फिर क्या पढ़ा फिर नहीं इसलिए मोक्ष के स्वरूप को जानने वाले मोक्षवादी भी है, केवल मोक्ष कहने वाले नहीं
हैं, मोक्ष के स्वरूप को जानने वाले आचार्य लोग मोक्ष को क्या मानते हैं, नित्य हो गए कि नहीं। हाँ, सर्व ही मोक्षवादी, केवल हम लोग नहीं कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, सर्वैर मोक्षवादी वीर मोक्ष नित्य अभ्युपगम्यते, नित्य स्वीकार करते हैं मोक्ष को। हाँ भाई, हाँ, अरे ऐसा नहीं समझो कि भाई शंकर वेदांती वाले केवल जानते हैं वेदांत को, ऐसी बात नहीं है। बाकी सिद्धांत वाले भी अद्वैत वेदांत को जानते हैं, जानते क्या, मानते भी है, भले ही ना लिखते नहीं बोलते हैं, लेकिन वो लोग भी क्या है, जानते हैं, समझ में ना, ना। यही वो तपोवन महाराज से यही पूछा ओमकार शल्य महाराज जी, है ना, ओमकार शल्य जी महाराज जी थे, है ना, उसमें सहपाठी थे ना वो महाराज जी लोग, सब सहपाठी थे, वो स्वामी चिन्मानंद जी महाराज, है ना, वो ओमकारानंद जी महाराज, ये सब सहपाठी थे ना ओमकारेश्वर महाराज जी। तो ओमकार शल्य महाराज जी ने पूछा तपोवन महाराज जी से, हाँ, यही पूछा है कि महाराज जी ये जो द्वैतवादियों को जो आचार्य लोग हैं, क्या वो नहीं जानते थे अद्वैत को, तो अद्वैत का जिसने खंडन किया, नहीं मानते हैं अद्वैत को, हाँ, क्या क्या उनको ज्ञान नहीं था। तो महाराज जी ने वो विनोद में कहा, हाँ हाँ तुमको ज्ञान है, तुम शंकर वेदांत पढ़ते हो ना, इसलिए तुमको ज्ञान है अद्वैत का, और उनको अद्वैत का ज्ञान नहीं था, मतलब विनोद में कहा, अभिप्राय के सबको ज्ञान था, लेकिन अद्वैत वेदांत के जो अधिकारी नहीं है उसको कहाँ पर लगाना चाहिए, उसको तो भक्ति में लगाना चाहिए कि नहीं, उपासना में लगाना चाहिए, हैं, अद्वैत ना हो तो भक्ति कैसे करेगा वो, द्वैत ना हो है कि नहीं, भक्ति कैसे करेगा, ये तात्पर्य होता है, ठीक है, चलो ऐसा होता है, इसे लोगों में भ्रांति हो जाती ना, लोगों में क्या भ्रांति हो जाती है, कोई मान लीजिए भक्ति सिद्धांत का वो प्रचार कर रहा हो, अरे ये तो सब द्वैतवादी है, इसको अद्वैत का ज्ञान नहीं, समझ में बात, हाँ, अथवा कोई पढ़ा रहा है, मान लीजिए न्याय पढ़ा रहा है, अरे देखो अभी भी न्याय पढ़ा रहे हो आप, न्याय पढ़ा रहे हो मतलब ये आप अज्ञानी हो, हाँ, अरे वो वेदांत पढ़ा रहा है इसका मतलब ज्ञानी है, अब कोई व्याकरण पढ़ा रहा है मतलब वो अज्ञानी, ऐसा है क्या ऐसा नहीं, व्याकरण आदि के बिना जो है वेदांत में कैसे प्रवेश करोगे, प्रवेश कैसे करोगे, आ गई बात समझ में, चलो है ना, इसलिए वो सोपान बोलते हैं, सोपान जितने भी सिद्धांत है इसके क्या है, सोपान, वेदांत के लिए सोपान होता है, इसलिए षड़ दर्शन होता है, षड़ दर्शन है तो क्यों है, इसलिए षड़ दर्शन होता है, ठीक है, चलो आगे देखो, है ना, नित्यश्च मोक्षा सर्वैर मोक्षवादिभिर् अभिगम्यते, अतो इसलिए जो है न कर्तव्य शेषत्व न ब्रह्म उपदेशो युक्त, इसलिए जो है नारायण कि जो है ब्रह्म, जो है ब्रह्म का उपदेश, ब्रह्म का व्याख्यान, ऐसा उपदेश करना युक्त नहीं है, जो कि कर्तव्य का शेष हो करके, कर्तव्य कौन हो गया, उपासना कर्म, उसका शेष, उसका अंग, सुनते हैं, जैसे कर्म, कर्म का शेष होता है देवता, देवता को जानेंगे तो कर्म करोगे, देवता उद्देश्य ना द्रव्य त्याग जाग करेंगे ना, तो कर्म का अंग कौन हो गया, देवता हो गया, वह तो देवता का जहाँ वहाँ पर उपदेश कर्तव्य का शेष होकर के हो गया, समझ में कि नहीं, अब कभी कभी जो है उपासना का शेष होता है, जिसकी उपासना करेंगे वो उपासना कर्म का क्या हुआ, शेष हो गया, अंग हो गया कि नहीं, तो उपास्य जो ब्रह्म है उपासना कर्म का शेष हुआ, कौन सा ब्रह्म हुआ, सविशेष हुआ कि निर्विशेष हुआ, हाँ सविशेष होता है, सविशेष ब्रह्म देवता जैसे सविशेष है,
वो कर्म का शेष होता है। उसमें का सविशेष ब्रह्म भी उपासना का शेष होगा। निर्विशेष ब्रह्म ना कर्म का शेष ना उपासना का शेष, कि नहीं? यही केन उपनिषद ने कहा ना, हुआ ना, यद मनसा ना मनुते ये न आहुर मनोमतम तदीय ब्रह्म तम विधि नेदम यदिदम उपासते। जो उपास्य कहते हो वो तो सभी शेष हुआ है कि नहीं। तो निर्विशेष जो है वो उपासना का अंग नहीं होता है, समझ में कि नहीं आया? चलो अतो न कर्तव्य, कर्तव्य कौन? कर्म उपासना। कर्म उपासना रूपी जो कर्तव्य है उसका शेषमल अंग होकर के ब्रह्म का उपदेश युक्त नहीं है, समझ में आएगी नहीं? अब यदि उपदेश करते हो तो वो तो सविशेष हो जाएगा, वो कर्तव्य का शेष सविशेष हो जाएगा। लग गया? थोड़ी सी टीका ले लो। पूर्व में है कुछ, पूर्व पंक्ति में ले लो। तद एवं स्वमतेन मोक्षाक्षम फलम नित्यम श्रुत्यादिभिर उपपाद्य क्रिया निष्पाद्यस्य तु मोक्षस्य अनित्यत्वं प्रसंजयति तद्यति, है ना? अपने मत में, वेदांत मत में मोक्ष रूपी फल क्या है? नित्य है, नित्य है, ठीक है। श्रुत्यादिभिर उपपाद्य, श्रुति आदि के द्वारा उपपादन कर दिया। श्रुति कौन? वही अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्। हो गया ना भी? हैं? यदि क्रिया से निष्पाद्य कहोगे मोक्ष को, क्रिया से क्या कहेंगे? जन्य कहेंगे, तब तो तुम्हारा मोक्ष क्या हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा। मोक्ष क्या हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा, बराबर है। इसी को भाष्य में कहा तद यदि कर्तव्य शेषत्वेन, हो गया भाई। आगे देखो, न च आगम बाद, अरे आगम प्रमाण का बाद हो ये नहीं हो सकता है। सुनते भाई, आगम प्रमाण का बाद नहीं हो सकता। आगमस्य उक्तेन प्रकारेण अपपत्ते है, क्योंकि आगम जो है ना शास्त्र, उसी प्रकार से उसका उपवादन किया गया है कि नहीं। क्योंकि स्वतः प्रमाण कौन है? आगम। आगम प्रमाण का बात किस प्रमाण से करोगे? किसी प्रमाण से नहीं होता है, ठीक है भाई। अपिच ज्ञानजन्य अपूर्व जनितो मोक्षः नैयोगिक इत्यस्य अर्थस्य शांति भूयस्य श्रुतयोः निवारिका इति आह अपिच ब्रह्मवेद। हे देखो भैया, ज्ञान से जन्य है ना, ज्ञान से जन्य यदि अपूर्व कहोगे, क्या है? ज्ञान होने पर अपूर्व होगा भैया, और अपूर्व से मोक्ष होगा, अपूर्व से मोक्ष होगा, है ना? तब तो तुम्हारा मोक्ष क्या होगा? नैयोगिक हो जाएगा, विधि जन्य हो जाएगा कि नहीं। हाँ, ऐसा अर्थ जब करते हो, ऐसा अर्थ कुछ लोग कहते हैं ना, ब्रह्म का जब ज्ञान होगा तो अपूर्व होगा, ब्रह्म का जो चिंतन करेगा ना अपूर्व पैदा होगा, उसी अपूर्व से क्या होगा? फिर मोक्ष होगा। ऐसा कुछ लोग मानते हैं, उपासक लोग मानते हैं, ठीक है ना। हाँ, तब तो ऐसा यदि अर्थ करते हो मोक्ष का अर्थ, तो अनेक श्रुतियों के से क्या होगा? विरोध हो जाएगा। इसलिए अनेक श्रुतियाँ भूयस्य श्रुतयः, भूयसी शब्द का प्रथम बहुवचन भूयस्य, भूयसी ऐसे नदी का नद्यः, भूयसी का भूयस्य, बहुत अनेक बहुत बार बार बहुत श्रुतियाँ, निवारिका ये निवारण करती है, किस अर्थ का? दृष्टफल है। कौन?
मोक्ष दृष्ट है, अदृष्ट कहाँ है? मोक्ष तो दृष्ट होता है, अदृष्ट क्या होगा? ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी तो फल क्या होगा? दृष्ट होगा कि अदृष्ट होगा? प्रकाश से घट प्राप्त हुआ, अंधकार चला गया, घट प्राप्त हो गया, क्या दृष्ट हो गया अदृष्ट हो? ज्ञान का फल दृष्ट होता है। गले में आपकी माला है, पहले का ना बाजा से बदने, गले में आपकी माला है और पोता बोल दिया कि दादी माँ तुम्हारे गले में माला है, तो ज्ञान से मिलेगी नहीं माला, तो क्या दृष्ट है कि अदृष्ट है? उपासना का फल तो अदृष्ट हो सकता है, लेकिन ज्ञान का फल तो अदृष्ट होता है। ठीक है, अपीच ब्रह्मा, भाष्य में देखो, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, है ना? ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म के स्वरूप को जान लिया है, वो ब्रह्म रूप को प्राप्त कर लिया, वो ब्रह्म रूप हो गया। हो गया मतलब क्या? ब्रह्म रूप पहले से है, ब्रह्म रूप जीव ब्रह्म रूप पहले से ही है, घटाकाश पहले से ही महाकाश है। हैं? हाँ, अज्ञान से जो अब्रह्मता थी उसकी निवृत्ति होती है ज्ञान से। तो ब्रह्म का ज्ञान हुआ और ब्रह्म रूपता का प्राप्ति के लिए बीच में क्या है? बीच में कुछ करना पड़ता है क्या? बोलो, है कुछ करना नहीं पड़ता है। ठीक है, रज्जू के अज्ञान से सर्प आपको भास रहा था, ठीक है, सर्प के निवृत्ति के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? रज्जू ज्ञान होने के बाद नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा दृष्टांत है माला, दूसरा दृष्टांत क्या है? माला है। अरे दादी माँ तुम्हारे गले में माला है, तो माला के प्राप्ति के लिए कुछ करना पड़ता है? ज्ञान हो गया तो यही माला की प्राप्ति हो गई, माला को जान लिया तो माला की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्म की प्राप्ति हो गई कि नहीं? इसलिए ब्रह्म वेद देखो ठीक से समझो, ब्रह्म वेद मतलब ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म रूपता की प्राप्ति, दोनों में कोई है ना व्यवधान नहीं है, ज्ञान और फल प्राप्ति में कोई व्यवधान नहीं होता है। समझ में आया? इलेका ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ठीक है भाई। इले ज्ञानी का क्या है? अतिक्रमण नहीं होता है, उत्क्रमण न तस्य प्राणः उत्क्रामन्ते, है कि नहीं? ज्ञानी को स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया कि नहीं, उस स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कहीं उत्क्रमण नहीं करना पड़ता है। आपने उपासना किया है तो उपास्य ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए क्या है? उत्क्रमण करना पड़ता है। कहाँ? जो ब्रह्म लोग जाना चाहता है, शिव लोग जाना चाहता है, समझ में कि नहीं आ गया? ठीक है, अरे भक्ति सिद्धांत में बेहतर है कि नहीं? परमात्मा की जो है अत्यंत भक्ति हुई है ना, तो क्या है परब्रह्म प्रकट हो जाता है, इसीलिए कोई प्रतिबंधक है कि? वहां पर भी कोई प्रतिबंधक नहीं है। आ गया समझ में? कहाँ पर अनन्य भक्ति हो गई वहां पर भी क्या है परमात्मा के दर्शन के लिए, वहां पर भी कोई प्रतिबंधक नहीं होता है, भक्ति सिद्धांत में ही प्रतिबंधक नहीं होता है। आगे समझ में? इस वक्त ज्ञान में भी कोई प्रतिबंधक नहीं होता है, समझ में कि नहीं? आगे कि नहीं? चलो, न तस्य प्राण उत्क्रमन्ति, मोक्ष के लिए ज्ञानियों का प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है। अत्रैव ब्रह्म अत्रैव सम अवलियते, है कि नहीं शास्त्र में? इसी में ही सब लीन हो जाते हैं ज्ञानी के, क्या शरीर तत्त्व उपादान में सब लीन होने जाते हैं, इसलिए ज्ञानी का उत्क्रमण नहीं होता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। अच्छा और भी ये देखो भाई, चियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, ये देखो कहाँ पर है? ये मुंडक में, विद्यते हृदय ग्रंथिस् च,
छिद्यन्ते सर्वसंशयाः चियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये देखो भाई कितना बढ़िया कह रहे हैं, देखो हैं तस्मिन् दृष्टे परावरे। परावर कौन? परमात्मा हो गए, परावर हो गए परमात्मा, ठीक है ना। उस परमात्मा का दृष्ट मतलब क्या, साक्षात्कार हो गए। आम असीम परब्रह्म ऐसा परमात्मा के साक्षात्कार हो जाए तो क्या होगा, बोले अस्य कर्माणि चियन्ते। ये देखो ज्ञानी के जो कर्म थे ना, सारे कर्म क्या हो गए, समाप्त हो गए। ज्ञान उत्पत्ति होने मात्र से ही, ज्ञान उत्पत्ति स्वभावी नहीं, ज्ञान उत्पत्ति होने मात्र से कर्म क्या हो गए, क्षीण हो गए। क्या हो गए? क्षीण हो गए। समझ में आए कि नहीं? कर्माणि तो क्या विभक्ति है, प्रथम बहुवचन है ना, तो कर्म बहुत ना है कि नहीं, कर्म बहुत है, संचित क्रियमाण और क्या है प्रारब्ध। यहाँ पर बहुत लोग विचार करते हैं, महात्मा लोग आचार्य लोग, बोले ज्ञानी का कौन सा कर्म क्षीण होगा, संचित क्रियमाण होगा कि प्रारब्ध होगा? संचित तो हो ही जाएगा कि नहीं, है ना। ज्ञान से संचित कर्म का भी समाप्त हो जाता है, क्रियमाण कर्म भी समाप्त हो जाएगा कि नहीं, सुनते हो। अरे ज्ञानी जो करता है, ज्ञानी जो कर्म करता है ना, शुभ कर्म करता है, वो शुभ कर्म का फल किसको मिलेगा? जो सेवा करेगा। ज्ञानी से शुभ कर्म जो होता है ना, उसका फल किसको मिलेगा? जो सेवा किया। हाँ, और जो है ना, और निंदा करेगा तो उसको जो है हाँ, इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए ज्ञानी की। और ज्ञानी की आप स्तुति करोगे तो ज्ञानी का आपको पुण्य मिलेगा, समझ में कि नहीं। ज्ञानी की स्तुति, ज्ञानी की पूजा करेगा तो ज्ञानी के शरीर से जो होने वाला जो पुण्य है ना, वो किसको मिलेगा? उसको मिलता है, ज्ञानी को नहीं मिलता है। फायदा कौन रहते हैं? फायदा तो भी भक्त लोग रहते हैं। महात्मा की सेवा करने से फायदा किसका होता है? नहीं? हाँ, इसलिए महात्मा जो शुभ कर्म करता है, हैं, उसका फल महात्मा को मिलता है कि महात्मा ना, ज्ञानी की बात कह रहा हूँ, ज्ञानी महात्मा जो शुभ कर्म करता है उसका फल ज्ञानी महात्मा को मिलता है कि भक्तों को मिलता है? भक्तों, इसलिए भक्त लोग फायदे में ही रहते हैं, भक्तों का कभी घाटा नहीं होता है। क्यों भाई? चलो कोई मान ले। क्या है बोलो। हमारे यहाँ शास्त्रों में कई बार कहा गया, नरसिंह मेहता जो थे बावन बार दर्शक हुआ, दर्शन शब्द प्रयोग करते हुए भगवान का। दर्शन क्या वो सकल वाला दर्शन हुआ कि निष्कल वाला दर्शन? क्या बोले, दर्शन? दर्शन तो सविशेष परमात्मा का हुआ, सच में ना। भक्ति से जो दर्शन होता है ना, भक्ति से तो सविशेष का होगा, भक्ति से जो दर्शन होता है सविशेष का होगा ना, है कि नहीं। परमात्मा का जो सविशेष स्वरूप है उसका दर्शन होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। वेदांत तो उसको अनित्य मान लेता है। किसको? जो दर्शन हो रहा मान लो तो हाँ, वो तो अनित्य ही हो, अनित्य ही हो, वो साथी से है, वो साथी से हो, साथी से हो, साथी से अनित्य कह लो, कोई आपत्ति नहीं है। बाकी बाकी रूपक की अपेक्षा वो साथी से हो, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ऐसा होगा। चलिए नारायण। अच्छा आगे बढ़ते हैं। चियंत चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् विवेति कुतश्चन। हे देखो भैया, ब्रह्मणो आनंदम, इसके भी खूब विचार होता है।
ब्रह्म का आनंद ऐसा नहीं, ब्रह्म स्वरूप आनंद, स्वरूपभूत जो आनंद है। सुनते भी कभी कभी अभेद में भी षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे मेरी आत्मा बोलते हो आप, हिंदी में ले लो ना, संस्कृत छोड़ो, मेरी आत्मा बोलते हो आप, अलग है कि क्या आपकी आत्मा अलग है? समझ में कि नहीं? आप कहते मेरी आत्मा, तो आप अलग हो और आपकी आत्मा अलग है क्या? फिर भी लोग बोलते हैं मेरी आत्मा है, लेकिन इस बार राहु का सिर, राहु सिर, तो राहु अलग है, उसका राहु का सिर अलग है क्या? फिर भी है ना, षष्ठी विभक्ति अभेद में भी हो जाती है। समझ में कि नहीं आया? इसलिए यहाँ पर आनंदम ब्रह्मणों कहने से स्वरूपभूत जो आनंद है ब्रह्म का, समझ में कि नहीं? ठीक है ना, जैसे आत्मा की सत्ता बोलते ना कहीं कहीं, क्या कहते हैं? आत्मा की सत्ता, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का आनंद। ऐसे नहीं कि सत्ता ज्ञान आनंद आत्मा से भिन्न हो, ऐसा नहीं है। समझ में कि नहीं? इसलिए स्वरूप जो आनंद है ब्रह्म का, ऐसा जानने वाला जो विद्वान है, न विभेति कुतश्चन, वो किससे भय करेगा? वो ब्रह्म से अतिरिक्त कोई हो तब ना भय करेगा। द्वितीयाद भय भयो भवति, जहाँ पर भय हो रहा थे समझ लो कि वहाँ पर द्वैत बुद्धि है। द्वैत बुद्धि के बिना भय नहीं होता, वो द्वैत भले ही मिथ्या हो। जैसे छाया, अपनी छाया को देख करके बालक रोता है, तो वहाँ पर भी द्वैत बुद्धि है कि नहीं? द्वैत है, जहाँ पर भय हो रहा है तो वहाँ पर जरूर द्वैत बुद्धि होगी। समझ में कि नहीं? और ज्ञानी क्या है? सर्वम कलुविदम ब्रह्म, ब्रह्म से अतिरिक्त कोई भी सत्य नहीं है। आ जाओ भाई, समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।